सो हेलो कैसे हो आप, तुम लोग अच्छे हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मिरेकुलस सीजन 6 में लेडी बग और कैट नोर की आइडेंटिटी क्या एक दूसरे के सामने रिवील हो जाएगा और इसके कितना पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा हो सकता है, वो ही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो तब तक तुम लोग इस वीडियो में एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, मिरेकुलस सीजन 6 में लेडी बग और कैट नोर की आइडेंटिटी रिवील होना कोई नामुमकिन बात नहीं है, क्योंकि ऐसे सीरीज में बहुत बार हो चुका है। लेकिन आइडेंटिटी रिवील करने के बाद जो तबाही हुआ है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनको अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी चाहिए। और अगर उनको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी ही है, इसके लिए उन लोगों को एक परफेक्ट टाइम का वेट करना चाहिए और तभी अपना अपना आइडेंटिटी रिवील करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे ही अपना आइडेंटिटी रिवील करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक वाला होता है, जैसे कि हम लोग सीरीज में देख ही चुके हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिटी रिवील क्यों करना है, क्योंकि पहले के टाइम में, मतलब मिरेकुलस सीजन 4 तक, एड्रियन यानी कि कैट नोर हमारे लेडीबग को पसंद करता था। लेकिन सीजन 5 में दोनों का रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इस टाइम लेडीबग कैट नोर को पसंद कर रही थी, लेकिन कैट नोर यानी एड्रियन अब मैरिनेट को चूज कर चुका होता है। और सीजन 5 के एंड आते आते मैरिनेट और एड्रियन रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। तो मिरेकुलस सीजन 6 में वो लोग अपने पर्सनल लाइफ को लेकर ही बिजी रहेंगे और इसीलिए लेडीबग और कैट नोर एक दूसरे की आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने देंगे। और इस थ्योरी के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी जानना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि मास्टर फू ने एक बार बोला था कि अगर ये दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स जान जाएंगे तो फ्यूचर में ऑकमोत इन दोनों में से एक को एकोमोडाइज करके दूसरे होल्डर को भी पहचान जाएगा। तो इसीलिए वो लोग अपनी रियल आइडेंटिटी को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो तो मुझे कमेंट करके बताओ। और मुझे इस वीडियो का टॉपिक इन लोगों ने सजेस्ट किया था, तो अगर तुम्हारे मन में मिरेकुलस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो तुम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्या पता नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे कमेंट के ऊपर हो। और मिरेकुलस सीजन 6 से अपडेटेड रहने के लिए तुम मुझे मेरे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलता हूं मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।